कि रैगिंग का क्या सीन है भाई। कुछ सीनियर्स हैं बहुत बदतमीजी करते हैं, अगर हमने पॉकेट में हाथ डाला है तो हाथ खींच लेंगे। अभी एक हमारी क्लास के लड़के का सर फाड़ दिया सीनियर ने। हाँ जी यही भाई, सर फाड़ दिया। किससे? स्टिक से। हाँ वो तो लाइक वो बात ये है कि यहाँ पे सुबह 8:30 पे आना पड़ता है, फिर शाम को 4 बजे घर जाना पड़ता है। कितने घंटे? और उसमें से सिर्फ 3 घंटे क्लास होती है, बाकी वेले घूमो इधर। फिर आपको पता है यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एआई और इन सब का ये ब्लॉग है, ठीक है, इसका नाम है सी ब्लॉग। जो इंटरवाइज सेंटर हो गया आप पे, सबसे पहले 5,000 की आपको फकी पड़ेगी या ओए हाँ। बाकी थोड़ी सी ठंडी लगी है मुझे यूनिवर्सिटी, ठंडी किस हिसाब से? मेरी एक्सपेक्टेशंस अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा माहौल कंट्रोल्ड है। 64 लाख का मेरे ख्याल से 4 साल का कोर्स है। साल का नहीं नहीं 4 साल का 16 ईयर्स और 4 ईयर्स का 64 लाख। अस्सलाम वालेकुम खवातीनों हज़रात, मस्तूर मस्तूरात भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा हम लोग आए एयर यूनिवर्सिटी। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सावेज और शामिर। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। फिट मैं ठीक, ऑडियंस से पूछो कैसे। वेलकम टू द एयर यूनिवर्सिटी सबसे पहले, और आप लोग बताएं आप लोग सब कैसे हैं। क्या बात है, देखिए एयर के लोग कितने वेलकमिंग है ये तो आपको अभी शुरू से ही पता चल गया है। ये दोनों बॉयज मुझे घुमाने लगे एयर यूनिवर्सिटी, हम यहाँ के सारे कट्टे चट्टे खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे सच्ची बात तो इसने कहा था कि मैं इतनी ज्यादा तारीफें करूंगा यूनिवर्सिटी की कि मैनेजमेंट को पता चलेगी और इसको इनाम मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, और भी आपको साथ साथ हर चीज बताएंगे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अगर किसी ने यहाँ पे हमारी एज का और उसमें अगर अपने उसमें कोई टैलेंट वगैरह भी है तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। बाकी ये पहली तारीफ शुरू हो गई, पहले हम विजिट करेंगे, एट दी एंड जाके हम तारीफ या होगा वो सारा करेंगे, ऑडियंस पे भी रखेंगे कि कमेंट्स में बताओ कैसी है, और आपसे भी डेफिनेटली पूछेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन मुझे अच्छा लगा है, तो हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्सिटी विजिट करें फिर। चलो लेट्स गो, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखो ये गेट है, यहाँ से आप एंटर होते हो और सामने लाइब्रेरी आ जाती है, फिर ये पार्किंग है सावेज। हाँ, ये फैकल्टी की पार्किंग है। हाँ, इस ये फैकल्टी की पार्किंग है, और यहाँ पे आपको एक गार्ड मिल जाएगा जो आपको बोलेगा हेलमेट पहने हेलमेट पहने, तो यहाँ से गुरेज किया करें बाइक पे आते हुए हेलमेट, तो हेलमेट पहन के आया करें ना। ये क्या यार, पढ़े लिखे लोगों की जगह है। यहाँ पे अगर आप 3 बिठा के ट्रिपलिंग करेंगे तब भी यहाँ पे 5,000 फाइन है भाई। वो देखे स्पीड लिमिट लिखी हुई है वहाँ पे, ठीक है 20 से ऊपर नहीं जाना। वहाँ पे सामने एक दुल्ला खड़ा होगा, वो आएगा यूं करेगा स्टॉप स्टॉप, ओ शिट रोक देगा। तो आपने लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी है, ये सबसे अच्छी बात है, ये इसीलिए तो मैंने आपको। पिंडी बॉयज के लिए मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, क्यों जी सिखा रहे हैं, ये तो हमारे लिए अच्छा है। और भाई मैं यहाँ आ रहा था, सावेज ने मुझे कल ही कहा था कि वासिफ भाई शलवार कमीज पहन के नहीं आना और प्रॉपर कपड़े पहन के आना, ट्राउजर पहन के तो बिल्कुल भी नहीं आना। आगे बताओ क्या मसला क्या होता है। पहले ये बात ये है कि यहाँ पे एक ड्रेस कोड है। हाँ अच्छा, जो लड़के होते हैं उनके लिए जीन्स और ये कॉलर वाली शर्ट, अगर आप टी शर्ट भी पहन के आओगे फिर भी आपके लिए मसला होगा। टी शर्ट भी पहन के आने वाला था, और अच्छा कॉलर वाली शर्ट मस्ट है, और गर्मियों में तो आप टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, सोच है आपकी गर्मियों में भी नहीं पहन सकते। जो इंटरवाइज सेंटर हो गया आप पे, सबसे पहले 5,000 की आपको फकी पड़ेगी या ओए। और अगर लड़की कोई बेयर दुपट्टे के घूम रही हूँ या कोई फैशन ज्यादा करके आई हूँ, दुपट्टा मस्ट है, गले में हो जिधर हो, ये आई थिंक सो मैंने सुना था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं गलत हूँ आप, लेकिन ये वैसे ये डिपेंड करता है मेरे ख्याल से, ये पहले सेमेस्टर में भी डराते हैं क्योंकि मुझे अभी तो कुछ और डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं। वो तो फिर अब आपकी नजर की बात है, हम क्या कह सकते हैं। ये बताओ कि स्टूडेंट्स अपनी गाड़ी बाइक अंदर ला सकते हैं? उसके लिए स्टीकर बनवाना पड़ता है गाड़ी के लिए। आपके पास गाड़ी आपके अम्मी अब्बू या आपके नाम पे होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, फिर मतलब की हमारे लिए बात नहीं आज हो यार। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाने वाले? अब हम चलते हैं, ये जो सामने एक ब्लॉक है इंस्टीट्यूट ऑफ एवियोनिक्स एंड एरोनॉटिक्स, मुझे भी मैं पहली दफा इसके अंदर जाने लगा हूँ, मुझे चलो लेट्स गो। यहाँ तो यहाँ पे एटीएम यूज करने के लिए जाते हैं कभी कभी, वो भी ये बाई रीच बॉय हैं तो इनके साथ जाना पड़ता है। शुगर डैडी नहीं ज्यादा हो गया। आपको एक जो काम की बात बताना ही भूलिए कि एयर यूनिवर्सिटी है एयर फोर्स वालों की, क्यों सावेज? तो इसीलिए ये सारी रिस्ट्रिक्शन हैं। जाहिर है देखें आर्मी वाले जिधर भी होते हैं वहाँ पे फिर अस्सलामुअलैकुम, बहुत बड़ा है एकदम से वीगो आ जाती है और ज्यादा नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद और जिंदाबाद। खैर बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी नहीं है, साथ में फजाइया मेडिकल कॉलेज भी है। एक ही गेट से एंटर हो गए और बीच में आपको फजाइया मेडिकल कॉलेज भी दिखाएंगे। और सावेज कुछ कहना चाहते हो इस चीज़ के बारे में? किस चीज के बारे में? वो एयरफोर्स वालों का मेडिकल कॉलेज है, फिजाइया मेडिकल कॉलेज है एयरफोर्स वालों का, और उसमें 4 साल का आपके पास अगर फुल हो ना आप यम पम तभी आप फिजाइया से पढ़ सकते हो। 64 लाख का मेरे ख्याल से 4 साल का कोर्स है। साल का नहीं नहीं 16 ईयर्स और 4 ईयर्स का 64 लाख।
देखो भाई, हम एक ब्लॉक के अंदर आएंगे। कौन सा ब्लॉक था शावेज? ये एवियोनिक्स और इस तरह का कुछ, ठीक है। शावेज कह रहे हैं मैं पहली बार आया हूँ, तो खैर बहुत ही विशाल किस्म का है। ओए होए 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 होए, देखो भाई हमने कहा कि टॉप फ्लोर तक जाएंगे उस तक, लेकिन ये बंदा थक गया, कह रहा है कि सेम ही नहीं जाएंगे। बोले यहाँ पे क्लासेस हो रही है। ओहो सॉरी, तो इसने कहा कि ऊपर नहीं जाएंगे। ये देखें कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, तो ये जादू वाली जो होते हैं ना, जादू वाला सीन, ये उनका डिपार्टमेंट है। जहाजों से मैं और ऑडियंस कुछ और समझ रहे हैं सर। वो एक जहाज मेरे साथ भी घूम रहे, मैं आपको बताऊंगा नहीं। नहीं नहीं, नो ऑफेंस, मजाक कर रहे हैं, किसी सीरियस नहीं लेना। हाँ सीरियस नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना सर। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ये सीन है। बाकी ये ऊपर भी इसके और डिपार्टमेंट भी हैं, ये वो जो चांद की स्टडी और पत्थरों की स्टडी, वो सब यहीं पे होते हैं। बहुत हैवी गेम है भाई, लेकिन गेम वाली ऑडियंस में बहुत लोग हैं ना, तो उनको हम बता देंगे, हमें नहीं पता। यहाँ पे पढ़ने आना है, वो यहाँ पे आप लोग पढ़ने ही आए हो ना। ब्लॉग में मजा नहीं आ रहा, हम बाहर जाके आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। शावेज ने एक बड़ी, जो यूनिवर्सिटी के, हर यूनिवर्सिटी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इस तरह इसके भी हैं। तो शावेज ने बड़े दिल की दुख वाली बात शेयर की है, जो कि शावेज बताओ क्या मसला है यार। बात ये है कि यहाँ पे सुबह 8:30 पे आना पड़ता है, फिर शाम को 4 बजे घर जाना पड़ता है। कितने घंटे? और उसमें से सिर्फ 3 घंटे क्लास होती है, बाकी वेले घूमो इधर। फिर आपको पता है यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं। तो अच्छी बात ही है यार, देखो पैसे इतने दे रहे तो कुछ तो करेंगे। हाँ तुम लाइब्रेरी कितनी दवाई जाती हो? तो लाइब्रेरी के पैसे नहीं, बाकी लाइब्रेरी भी तो देते हैं। पकड़ा गया। अच्छा मजाक कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नो ऑफेंस, लेकिन शावेज अभी तुम्हारी पहली क्लास कितने बजे खत्म हुई थी? 8:30 पे स्टार्ट हुई थी, 10:00 पे खत्म, और अब मेरी सेकंड क्लास है 2:30 से 4:00। अबे इतनी लेट? जी हाँ। तो बीच में 4 घंटे क्या करोगे? देखो भाई, वीडियो के आखिर में हम आपको यहाँ की माल रोड, यहाँ का लव गार्डन, ये सारी चीज़ें बताएंगे। मुझे पता है बहुत लोगों को इस चीज़ का इंतजार है, लेकिन उससे पहले जो पढ़ाई के लिए आते हैं उनको भी तो गाइड करना है ना हमने। तो ये सामने है जी, क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का ये ब्लॉक है। ये हमारे दो बॉयज यहीं पढ़ते हैं। अगर आप बिजनेस का ब्लॉक है, यहाँ पे सारे ये जो बिजनेस वाले योलो पोलो लोग, मैनेजमेंट का ब्लॉक, बिजनेस वैसे एयर के कोई मशहूर लोग भी हैं, लाइक यहाँ से कोई निकला हो, सेलिब्रिटी बन गया हो? तुम दोनों तो बनोगे वैसे, जो बने हो अभी तक। मुझे देख लो, मैं सेलिब्रिटी नहीं अभी तक तो हमें कोई यार, मुझे तो हर बंदा अपने आप में एक सेलिब्रिटी लगता है। क्या बात है भाई। देखो ये सामने जो है ना, ये यहाँ के हट्स हैं, यहाँ पे आपको पेट पूजा के लिए चीजें मिलती हैं, ठीक है। और शावेज बल्कि आप बताएं, शामिर हट्स यही है यार? ये यही है हट्स, बस ये दो ही है। नहीं यार, ये हट्स है, पीछे वो ट्रेन बनी हुई है, देखें। ट्रेन में क्या है? ट्रेन में क्या बच्चे हैं, बच्चे बैठते हैं, बैठते हैं लोग। लव ट्रेन उसको, चले आज नाम दे दिया, लव ट्रेन। लव ट्रेन, लव, लव ट्रेन, लव ट्रेन, लव, लव ट्रेन, लव ट्रेन, प्यार वाली ट्रेन। चलो उसके करीब चलते हैं, लव ट्रेन चलते हैं, चलो लव ट्रेन। और बाय द वे, जब तक हम लव ट्रेन की तरफ चलें, ये है यहाँ की माल रोड। माल रोड मींस यहाँ पे रश होती है, फुल लेवी वाला रश, हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। बाय द वे देखो, आपको लव ट्रेन, हम बड़ी सेंसिटिव जगह यहाँ की वो दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ की लव ट्रेन, ये देखो पूरी ट्रेन है, ठीक है, ज्यादा नहीं दिखा रहे, लोग बैठे उनकी प्राइवेसी है। स्पार्टर बॉय जा रहे हैं, स्पार्टर बॉय को क्या दिखाएं अब हम यार, स्पार्टर को नहीं दिखाएंगे। देखो भाई, हमारे पीछे मौजूद है एडमिन ब्लॉक, और शावेज ने एक बड़ी मजे की बात बताई है। शावेज क्या बात बताइए? अगर इस घास पे चलोगे ना, तो यहाँ से सीटियों की आवाज, और फिर शायद आपको अंदर सिक्योरिटी रूम में भी लेके जाए। भाई देखो, डिसिप्लिन है, आप फॉलो करो डिसिप्लिन को, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं खड़े होना कभी। अच्छा ठीक है, समझ गया। अच्छा बाय द वे, यहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं, ये स्टूडेंट वगैरह की पार्किंग है, यही बात है? हाँ ये स्टूडेंट की पार्किंग, टीचर सारे, मतलब मिक्स, आप यहाँ पे मिक्स खड़े होते हैं, बट पीछे जो पार्किंग थी वो रिजर्व थी फैकल्टी के लिए, राइट? और ये साइड जो है ना, ये फैकल्टी के लिए रिजर्व है, और इस साइड स्टूडेंट भी पार्क कर सकते हैं, और उधर भी पार्किंग है, फिर वो पूरा ग्राउंड है। और बाय द वे, यहाँ की ये बसेस हैं, ये यहाँ की लारियां हैं जो स्टूडेंट्स को दूर दूर से लाती हैं। बसेस के रूट्स ज्यादा हैं या थोड़े ही हैं? बसेस के रूट्स बहुत थोड़े हैं, क्योंकि ये तो 4-5 बसेस हैं, तो यहाँ इतनी बड़ी आवाम होगी, 4-5 हैं तकरीबन, 10-15 हैं, फिर भी थोड़ी है। हमारी यूनिवर्सिटी में 30-35 से ज्यादा बसेस हैं, वो तो फिर उसकी इवनिंग शिफ्ट मारना बहुत बड़ा उसका नाम है। बट स्टिल अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे फिलहाल तो पसंद आ रही है, बट एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपको बताएंगे कि हम इसको 10 में से कितने नंबर देंगे। तो खैर आगे हम घूम लेते हैं, यहाँ पे साथ हमारे ये स्पोर्ट्स वाला एरिया भी है, तो इसी में चलते हैं। लेट्स गो। इसमें आपने जोगर्स पहने हुए? हाँ तकरीबन वही है, आपको अंदर ये जोगर्स ही है ना, देखो यार बस ठीक है, चलते हैं। बैठा हुआ है, वो जो होते हैं ना फॉर्मल शूज, वो मैंने आज तक खरीदे ही नहीं। फॉर्मल शूज तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं पहने जाने देते, उसके अलावा
बाकी चलो ये अच्छी बात है, हर जगह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। तो भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ के स्पोर्ट्स कोर्ट में और यहाँ पे है बास्केटबॉल है मेरे ख्याल से, वॉलीबॉल है उसके साथ, उस तरफ फिर ऑस्ट्रो टर्फ है और चिड़ी छक्का भी है, अब उसको उर्दू में इंग्लिश में बैडमिंटन बैडमिंटन भी है। और सावेज ने एक बड़ी मजे की बात बताई है, वो क्या सावेज? यहाँ से अगर आप थकोगे खेल खेल के उसके बाद आपके लिए जूस का इंतजाम। ओ वाओ, ये जूस तो देने पड़ेंगे, वो देखे ना लिखा हुआ है बिल्कुल एनर्जी यू नीड, जूस भी है जूस फ्री में, फ्री में नहीं फ्रेश जूस। फिर छोड़ो यार, आ जाओ यार, नहीं अगर आपने पीना है तो आए आपको पिलाते हैं। आपने क्या बात है, दिल जीत लिया सावेज ने, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाय हाय भाई, अभी अभी मुझे ऑफर मिली है जूस पिलाए जाने की, हालांकि मेरा पहला दिन है, आउटसाइडर आया हूँ, बहुत ही हॉस्पिटल क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे। लेकिन सावेज और शामिर मुझे एक बड़ी पते की बात बताओ तुम लोग कि रैगिंग का क्या सीन है, कि वो मैं नया बंदा आया हूँ, मेरा ही इतनी तवाजो हो रही है, खिदमत हो रही है, जो जूनियर्स आते हैं उनके साथ क्या होता है बॉयज ये बताओ? आप तो हमारे मेहमान बन के आए हैं, वो हमारे जूनियर्स बन के आते हैं, उनके साथ अभी हमने ये शुरू किया है कि अभी हमने उनको ऐसी झूठ बोला हुआ है कि उनका कोई कल्चर नाइट वाइट हमने अरेंज की हुई है, और अभी हम उनके एक दो हफ्ते तक ऑडिशन लेते रहेंगे, क्लासों से उनकी छुट्टियाँ होती रहेंगी और उनको समझ भी नहीं आएगा, और एकदम उनको बताएंगे कि ये तो पाबंदी है फुली। आप लोगों के साथ पकड़ लो आप, मैं तो बच के निकलता था जो ही क्लास में आते थे टीचर के साथ बाहर, स्ट्रिक्ट है जो ही क्लास में आए रैगिंग के लिए टीचर जो ही निकल रही हूँ उनके पीछे भाग जाओ। वैसे मैं एक बात तो हमारी यूनिवर्सिटी में ना रैगिंग की थी हमने जूनियर्स की, ठीक है, हम लोग जिस दिन भी जूनियर्स की रैगिंग करते हमारे दोस्त बन जाते, और जो हमारा इस सेमेस्टर का लास्ट डे था ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले मुझे मिले थे, तो वो कहे थे कि वासिफ भाई हमारा सबसे अच्छा दिन जो था यूनिवर्सिटी का वो पहला दिन था जब रैगिंग हुई थी। तो अगर लिमिट रख के करो तो मज़ा आता है। वैसे यार इस बारे में मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये आम हो जाए। नहीं नहीं ना हो यार, देखो असल में फिर ये भी होता है ना कि हर कोई लिमिट्स में नहीं रहता, तो हर कोई एक ही बैकग्राउंड से नहीं होता या एक ही कॉन्फिडेंस लेवल का नहीं होता, तो वो बेचारा फिर जो है ना वहाँ पे डिप्रेस हो जाता है। तो रैगिंग इज वेरी बैड, हम इसको डिस्करेज करेंगे, खुद कर लेते। पेश खिदमत आपके सामने एयर यूनिवर्सिटी की मस्जिद, ये रही मस्जिद, ये रही मस्जिद है, ओ, माशाल्लाह। और एक गर्ल्स हॉस्टल है और नीचे मस्जिद है और ये आगे मस्जिद का सेन है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी यहाँ पे नमाज पढ़ी है जुम्मे की खास करके मुझे इतना मजा आया, क्योंकि यहाँ पे सब एक ही एज के होते हैं, एक ही सेम जेंडर तो खैर सेम ही होता है, मस्जिद से तो सेम ही जेंडर होगा जानी, सॉरी एज एक ही होती है, सब एजुकेटेड होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है सीरियसली। और एक और बात है कि इसने मुझे बड़ी मजे की बात है कि 12:30 से पहले मस्जिद का गेट नहीं खोले ताकि आगे कोई सो ना जाए। हाँ जाहिर है, फिर आपको पता है तंत्री लोग होते हैं यहाँ पे आगे सो जाते हैं, तो इसलिए 12:30 से पहले गेट वगैरह बिल्कुल ठीक है, वो बात सही है। लेकिन ये तो गर्ल्स का हॉस्टल है, बॉयज का भी है या नहीं? नहीं बॉयज का हॉस्टल आई थिंक सो, मुझे तो एक साल हुआ है, लेकिन पहले शायद होता था, वो बाद में खत्म कर दिया गया। अच्छा बॉयज का हॉस्टल नहीं है यहाँ पे, तो बॉयज को थोड़ा सा रुलना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्टल यहाँ सामने ही बने हुए हैं। हाँ वो जो आएगा यानी सामने है, फिर F6 और F7 तो वो फिर पैसे भी उतने ही लेते हैं। तो फिर आपको पता, लेकिन मुझे नमल के हॉस्टल बहुत पसंद आए थे, वो जिसका टांग के बाजू टूटी थी उसका जो याद आ गया। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI और इन सब का ये ब्लॉग है, ठीक है, इसका नाम है सी ब्लॉग, दिखने में बहुत ही प्यारा, और सावेज कह रहे हैं कि इसके अंदर जाके एयरपोर्ट वाली फील आती है, इतना अच्छा है। इंटर हो ना तो ऐसे लगता है जैसे इमिग्रेशन वाले उसमें आ गए। ओह माय गॉड, चलो चलो लेट्स गो भाई। हम उस ब्लॉग में जा ही रहे थे कि हमें अपने दो सब्सक्राइबर्स तीन आप भी सब्सक्राइबर हैं, सच बता दें, नहीं है ना? नहीं है, ठीक है, तीन सब्सक्राइबर्स मिल गए, वैसे मुझे शक हो रहा है कि ये नहीं है, लेकिन खैर इन तीनों से हम पूछते हैं यूनिवर्सिटी का, इनका पहला वीक भी चल रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम अली है, आपका नाम हारिस और आप सालार, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से? हम बीबी ऑनर्स कर रहे हैं, तीनों क्लासमेट्स हैं। अच्छा ये बताओ कि यार पहला वीक कैसा गुजर रहा है यहाँ पे? ठीक है, अच्छा रैगिंग चल रही है, रैगिंग मतलब हुई है, नेकरम के साथ ही इतना फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं यहां पे, मतलब अच्छे हैं यार। मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में गया हूं ना, लोगों ने कहा कि फैकल्टी फारिग है, लेकिन यहां पे ये बताने के अच्छे हैं भाई, फैकल्टी नहीं सॉरी मैनेजमेंट भी अच्छी है, बहुत क्लास की है, हां सीरियसली फैकल्टी वैसे अच्छी होती है, कभी इस पे हमें इशू नहीं हुआ। अच्छा और क्लासेस काफी अच्छी जा रही हैं और टीचर्स काफी सपोर्टिव हैं, हां स्टडी के रिलेटेड भी और वैसे भी। वैसे एक बात है मुझे ना तीनों, एक अच्छी बात भी बताएं आपने जो पहले वीक में नोटिस की यूनिवर्सिटी की, और एक बुरी बात भी,
अच्छी बात, अच्छी बात भाई ये कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और ठीक है सर बहुत अच्छे हैं। माहौल किस सेंस में कह रहे हैं आप? जिस चीज में भी देखे ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे उस तरह भी अच्छा है, दूसरी तरह माहौल देखे वो भी सही है, ठीक है। तो और तीसरी तरह वगैरह सब यहाँ पे ठीक है। और एक बुरी चीज, बुरी चीज ये है कि यहाँ पे इस्लामिक थोड़ा कम है लड़कियों के। अच्छा पहले आप कह रहे थे अच्छा आप कह रहे कम है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखो बेसिकली ये है ना इस्लामाबाद में कैपिटल है सेंटर है तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, तो ये बात है बेसिकली। अच्छा अब आप बताए ना कि अच्छी बात और बुरी बात। अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा डेकोरम के साथ चीजें चलती हैं कि मतलब पूरा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं कर सकता आके, मतलब सिक्योरिटी वगैरह प्रॉक्टर्स वगैरह। बाकी थोड़ी सी ठंडी लगी है मुझे यूनिवर्सिटी, ठंडी के हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा माहौल कंट्रोल्ड है। मतलब भाई आप क्या चाहते थे, पार्टी पार्टी माहौल थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दूसरा ये है कि ये स्पोर्ट्स बड़ा फारिग है, ये फारिग है, हाँ ठीक है, छोटा सा है। असल में यूनिवर्सिटी उस हिसाब से उतनी बड़ी नहीं है ना, तो फिर भाई यूनिवर्सिटी वैसे नाम से बड़ी है बट साइज की बात करें बट साइज डज नॉट मैटर आपको पता है। अच्छा आप बताएं अच्छी और बुरी बात। एक अच्छी बात ये कि सीनियर्स काफी अच्छे हैं। सीनियर्स अच्छे माशाल्लाह, सीनियर्स अच्छे ये देखिए जरा ग्लासेस नीचे करो लाइक ओवरऑल ना एक आ तो फिर हो ही जाते हैं। तो बाकी यहाँ पे बुरी बात ये है कि फुटसॉल है, वेट करना पड़ता है क्योंकि मैं फुटबॉल बहुत पसंद है। बाकी बारी नहीं मिलती उसमें? हाँ बिल्कुल बारी नहीं मिलती। ओके ना मिलेगी भी कैसे, अभी हफ्ता गुजरने दो हफ्ते फिर आपको मिल जाएगी बारी। चलिए इसकी बात देख लेते हैं, अब वेट कर लेते हैं, एक सेमेस्टर वेट कर लेते हैं। आज हम एक सेगमेंट ना रख लेंगे, जूनियर सीनियर्स की रैगिंग कर लें। और भाई जो कुछ सीनियर्स है ना वो बहुत ही रिस्पेक्ट अवर सीनियर्स, भाई कुछ सीनियर्स है बहुत बदतमीजी करते हैं, अगर हमने पॉकेट में हाथ डाला तो हाथ खींच लेंगे। अभी एक हमारी क्लास के लड़के का सर फाड़ दिया सीनियर ने। हाँ जी यहीं पे सर फाड़ दिया। किस से? स्टिक, स्टिक से। हाँ वो तो लाइक वो सीन हुआ है, पता नहीं अंदर क्या हुआ, डेकोरम थोड़ा सा पता नहीं आपस में कुछ हुआ, कोई आईडिया नहीं। न्यू कवर ने ना रैगिंग को थोड़ा ज्यादा सीरियस ले लिया था, तो फिजिकल स्टार्ट हो गया उनके दरमियान, उसकी वजह से फिर मेरे का साइक केस था सीनियर का भी और उसका भी, वो दोनों आपस की टॉलरेंस नहीं होगी दोनों। खैर आपको पता है ये पाकिस्तान है, ये यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, ओवरऑल ही चलता रहता है। बात ऐड करूं, भाई ने कहा कि यहां पे कोई इवेंट इवेंट नहीं, अभी आप सब्र करो, यहां पे हर चीज का इवेंट, हर आपके म्यूजिक सोसाइटी, कल्चरल नाइट्स, अच्छा उसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पे वो सेमिनार। हमारा तो वेलकम ही नहीं हुआ अभी तक। वेलकम होता है क्यों होता है, यहाँ का वेलकम इतना अच्छा वेलकम होता है, शायद मैंने आए थे। अच्छा वैसे मैं एक बात दूं, बॉयज का चल रहा है पहला वीक ना, तो ये जो आपको सारी चीजें आपकी शिकायत है ना ये मोस्टली सबकी होती है, बट जब आपका टाइम गुजरता है ना आपको चीजें समझ आती है, मतलब दो तीन महीने गुजरेंगे, साल गुजरेगा एक, फिर आप बोलोगे यार अच्छी है, क्योंकि ओवरऑल में देख रहा हूँ अच्छी है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल टाइम, जो चीजें शायद आपको बुरी लग रही है वो आपको कल अच्छी लगेंगी, जो आपको आज अच्छी लगनी है कल बुरी लगेंगी, ये भी हो सकता है। तो चलते हैं, इनकी म्यूजिक सोसाइटी के म्यूजिकल इवेंट्स होंगे, अच्छा कल्चरल नाइट्स। और इसने ये भी बताया कि एक अभी इवेंट करवा रहे हैं ये लोग थोड़ी देर पहले, हम इवेंट करवा रहे हैं, नंबर ले लेना। एक और अच्छी बात है यहां पे क्लब्स काफी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? क्लब ज्यादा हैं। मैं डर गया था यार, मैं दूसरा समझ गया। इंटरेस्टिंग लगे मुझे, मैंने तो चार पांच में कर भी। कौन से क्लब्स? इसको मैं भी अपने क्लब में लेना चाहता हूँ। इसको मैं भी अभी कौन सा क्लब है आपका? या मरहबा।